नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। कौन बनेगा करोड़पति, कई लोगों के ख्वाब और अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना पूरा करता है, लेकिन ख्वाबों को पूरा करने का यह ख्वाब कोटा रेल मंडल के देशबंधु पांडे को बेहद महंगा पड़ गया। कोटा में पदस्थ रेलवे के देशबंधु पांडे को केबीसी में जाने की रेल प्रशासन ने कड़ी सजा दी है। उन्हें रेल प्रशासन द्वारा चार्जशीट थमाई गई है, साथ ही 3 साल के लिए उनका इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया है। दरअसल देशबंधु पांडे केबीसी में जाकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर हॉट सीट पर बैठने को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रेल प्रशासन द्वारा चार्ज सीट थमाई गई और उनका इंक्रीमेंट रोका गया तो देशबंधु पांडे को बड़ा झटका लगा है। मामले पर रेलवे कर्मचारी संगठनों में विरोध प्राप्त हुआ है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव खालिद का कहना है कि पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया है। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। केबीसी में भाग लेने को पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में रहे थे। पांडे ने अधिकारियों को अवकाश की सूचना की थी, लेकिन आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ था। पांडे का यह एपिसोड 26 और 27 अगस्त को प्रसारित हुआ था। इनमें से उन्होंने 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपये की धनराशि भी जीती थी। पांडे अपनी पत्नी के साथ केबीसी में पहुंचे थे। पांडे की छुट्टी के बावजूद यह दस्तावेज बहुत कुछ कहते हैं। ऐसे में रेलवे कर्मचारी संगठन अब मैदान में है। बहरहाल मामला किस ओर जाएगा यह तो कार्रवाई से पता लग ही गया है। ऐसे में ख्वाबों को हकीकत करना और अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतना, यह दोनों ही बिंदु केबीसी कंटेस्टेंट के साथ हुई इस घटना को सुर्खियों में बनाए हुए है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।